इस जगह से मोबाइल वोबाइल गिरा दिया था, इस पूरा नीचे उतरना पड़ेगा मुझे भाई। पहाड़ों के ऊपर बादल बैठे हुए, इधर तो बादलों में बैठे हुए, कत्ते फुल बादल है, कत्ते बादल मतलब छू के जा रहे हैं ऐसे ना, पास की चीजें ना दिखती नहीं है इसलिए, नहीं तो कत्ते ऐसे छू छू के जा रहे हैं। जय हो। आवाज करने लग रही थी तो हम रुके हैं, अभी यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया जोधपुर। गुड मॉर्निंग गाइस, 9 बज चुके, हम लोग उठ के रेडी हो चुके माउंट आबू के होटल के अंदर। रूम के अंदर भी ऐसी ना एकदम ह्यूमिडिटी रहती, निकलने के लिए तैयार है वैसे। 9 बज रहे हैं, अभी हम चेकआउट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे एक तो ना सारे होटल्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि ये हिल स्टेशन है और ये टूरिस्टिक प्लेस है, मतलब टोटली यहाँ पे देखने के लिए जगह है और रहने के लिए होटल्स है और खाने पीने के लिए जगह से, इसके अलावा और यहाँ पे किसी तरीके के कोई काम धाम नहीं होते बस, तो इसी वजह से थोड़े महंगे होटल्स है। अगर आप 20 किलोमीटर नीचे जो तलहटी है ना आबू रोड, वहाँ पे स्टे करो और फिर सुबह के टाइम आ जाओ जल्दी, ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। हालांकि हमको 1200 में पड़ गया था रूम, काफ़ी बड़ा रूम है, इसके अंदर अगर 4-5 लोग होते ना तो आराम से स्टे कर लेते। तो अभी निकलने लग रहा है, ऐसा कुछ था ये एरिया यहाँ। यहाँ पैकिंग कर रहे हैं अब सामान की बाइक के ऊपर, यहाँ बांधेंगे सारे सामान। सामान यहाँ पे बंद चुका है हमारा, तो ये हमारा नाश्ता आ चुका है, फाफड़ा और समोसे। ये दुकान है, ऐसा कुछ सीन है, अब मस्त है भाई लोग। अभी आ गए, अभी हम नक्की लेक, मौसम बढ़िया हो रहा है बस ना, पहाड़ों के ऊपर बादल बैठे हुए हैं, इधर तो मस्त प्लेजेंट मौसम हो रहा है। जाएंगे हम गुरु शिखर, काफी सही है यार, बादल बादल ना एकदम ऐसे निकल के जाते हैं मुंह को टच करके, कभी धूप निकल जाती है तेज तेज, कभी बादल आ जाते हैं, मस्त सीन हो रहा है कत्ते। चलो निकलते हैं अभी, होमवर्क करने लग रहे हैं लोग बैठ के इधर। होमवर्क कौन करता है भाई इधर आके, सही खड़ी है ना सही सलामत। बादल तो नीचे उतरे हुए आज, पार्किंग में छोड़ दी हमने बाइक, पूरा बादल फील हो रहा है, बादल के अंदर है बिल्कुल ही, देखो ये सब डबल रेट में बेचते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है ना, यहाँ पे लाना पड़ता है दूर से। तो ये देखो और ये देखो, बादल ब्लैक आउट, सब कुछ बादल ही बादल, पूरा बादल है ही नहीं कुछ। किसका फोटो खींच अब भाई साहब, बादलों में पूरा बादल है कत्ते ही। बूंदे भी पड़ रही है छोटी छोटी, अभी जस्ट बादल हटा है तब जाके वहाँ पे लोग देखे हैं, तब से लग रहा था कुछ है नहीं खाई है। इस मोबाइल का ना वाइड एंगल लेंस काम ही नहीं कर रहा यार, बहुत लैग कर रहा है कैमरा, पता नहीं क्या आग लग गई इसको यार, दिमाग खराब हो रहा है बहुत। लेकिन अब चलो जो भी है, बादलों में बैठे हुए कत्ते फुल बादल है, कत्ते बादल मतलब छू के जा रहे हैं ऐसे ना, पास की चीजें ना दिखती नहीं है इसलिए, नहीं तो कत्ते ऐसे छू छू के जा रहे हैं। जय हो माता की माता जैसी, जय। लग रहा था कि ना ऊपर से जब देख रहे थे ना तो लग रहा था यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा खाई है। अभी अभी फिर धीरे धीरे ये वाली जगह दिखी, फिर लगा कि हाँ चलो थोड़ी बहुत जगह, फिर सड़क दिखी, बादल हटते गए ना, फिर और ऊपर देखा था भाई साहब पूरा शहर बसाया हुआ है यहाँ तो। अब वापिस दे, दूसरा बादल आ रहा है देखो, अब देखना सब चीजें गायब हो जाएगी एकदम से।
काफी बड़ा सा मार्केट है इधर भी, है ना, मतलब सब चीजें मिल जाएगी। ये रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए, अपोलो, दिल्ली का बच्चा। हेलो, निकल रहे हैं अभी हम भाई आबू पर्वत से, मतलब गुरु शिखर से। भाई हम लोग नीचे उतरने लग रहे हैं और हमको मिल गया झरना, झरने के अंदर जा रहे हैं। देख ये रहा झरना, पानी आ रहा है पहाड़ में से, पता नहीं कहाँ से पत्थर पे। अरे आजा, ये आ गया झरना, नहीं कहाँ जंगल में से कुछ निकल रहा है, पहाड़ में से आ रहा है झरना पूरा। तो नहीं नहीं ड्रिंक व्रिंक नहीं करते हम। अरे कोई टेंशन नहीं, आ जाओ आप, बोलना अच्छी बात है। हाँ हाँ, एक और लेक, वो जो झरना निकल रहा था ना उसका पानी यहाँ पे आके भरने लग रहा है। भाई मस्त लग रही है, मेरा मन कर रहा है इसमें भी नालू कूद के, जैसे कल नहीं नहारा था कूद कूद के, वैसे ही इसमें भी नहाने का मन कर रहा है यार, क्या करे नहा लेगा। मतलब इतने बदतमीज लोग है ना यहाँ पे ना, अभी इस जगह पे से मूत रहे थे लोग इसके अंदर, दो लड़के मैंने मूतते हुए देखा है, उनको चिल्लाया था भाई मत। अब जा रहे हैं इस जगह से, मोबाइल वोबाइल गिरा दिया था इसने पूरा, नीचे उतरना पड़ेगा मुझे भाई। ऐसी गंदी जगह थी और तो कुछ दिक्कत नहीं था, ऐसे पानी वानी से तो अपन डरते नहीं है, पानी में तो मैं कूद जाऊँ, लेकिन है ना सांप बाप आ जाए, इसमें बहुत कचरा हो रहा था नीचे, बहुत गंदा यार है, और पता नहीं कब से कोई गया नहीं होगा तो ऐसा। अब मोबाइल तो चालू तो हो नहीं रहा, कि दूसरा मोबाइल था हमारे पास तो उसमें सिम वगैरह डाल ली है, सिम वगैरह आ गई है तो ईमेल से बाकी सब चीज़ तो रिस्टोर हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मोबाइल जाएगा काम से, मुश्किल ही चालू होगा क्योंकि पानी में जाने के बाद ना चीज़ें, मोबाइल तो कभी सही नहीं होते वैसे भी, तो देखते हैं वो तो जयपुर जाके पता चलेगा। यहाँ पे चावल में डाल देंगे या तो सही हो जाएगा या फिर जयपुर जाके करवा लेंगे सही। हाँ बेटे बोलिए, क्या सफाई देना चाहेंगे वो आपको, आपने मोबाइल फेंका उसके लिए। चलो चाय पी लेते हैं अब। एक और लेक, अचलगढ़ किले के यहाँ पे है, अचलगढ़ फोर्ट पता नहीं यहाँ पे तो, लेकिन मंदिर मंदिर सा है, फोर्ट वोर्ट तो कुछ दिख नहीं रहा ढंग का कुछ, ये ऊपर दो तीन कमरे हैं बस, जिसको देखने के लिए हम नहीं जा रहे भाई, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा कमरे देखने। ये है अचलेश्वर महादेव के मंदिर, इसकी खास बात यह है कि बाकी जगह पे ना शिवलिंग की पूजा होती है, तो यहाँ पे शिवलिंग की पूजा नहीं होती, शंकर भगवान की अंगूठे की पूजा की जाती है, क्योंकि जब आबू पर्वत ना थोड़ा हिल गया था तो उसको बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर ने अपना अंगूठा दिया था, तो इस चक्कर में यहाँ पे अंगूठे की पूजा होती है। सो ये देलवाड़ा जैन मंदिर के यहाँ पे खड़े हुए हम, इस दुकान पे से अभी लस्सी वस्सी पी रहे थे, यहीं पे बैग भी रख दिए हमने, क्योंकि अंदर ना लॉकर रूम पे 50 रुपये ले रहे हैं, हमने यहाँ पे 20 रुपये के अंदर जुगाड़ कर लिया अपना सामान रखने का सारा, अभी सब कुछ यहीं पे दे देंगे, मोबाइल भी देना पड़ता है, अंदर अलाउड नहीं है कुछ भी, तो सब कुछ देके अब अंदर जाएंगे हम मंदिर के अंदर, दिखा नहीं सकता कुछ भी क्योंकि शूट करना अलाउड ही नहीं है, अंदर मोबाइल वगैरह ले जा नहीं सकते। निकल रहे अब देलवाड़ा जैन मंदिर से, हो गया हमारा घूम घाम के यहाँ पे, ये अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, बाहर से ही दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है भाई। अभी माउंट आबू से निकलने लग रहे हैं हम, शाम के 5 बज चुके हैं, जोधपुर के लिए निकल रहे हैं, वैसे रात को जोधपुर स्टे करेंगे, आज रात का जोधपुर स्टे करने का प्लान है, तो बस चलो जोधपुर। कौन से गाँव का भैया? जयपुर से भाई। हाँ तो अभी जोधपुर हाईवे पे हम जा आ चुके हैं और चाय पीने के लिए रुके, चाय नाश्ता करने के लिए रुके, लगभग 6 बज रहे हैं अभी, 6:30 बज रहे हैं, 6:40 हो रहे हैं,
और जोधपुर यहाँ से 230 किलोमीटर के आसपास है। साहब अभी पाली जाने लग रहे हैं हम, सिरोही तो रह गया साइड में, जोधपुर रह गया है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। तो भाई माउंट आबू से निकले हुए हमको अभी 3.5 घंटे हो चुके हैं और सिरोही पीछे रह गया, पाली अभी 30 किलोमीटर बाद आने वाला है और 100 किलोमीटर के आसपास रह गया जोधपुर यहाँ से। यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए रुके हुए थे, अभी पानी का बोतल दिया भरने के लिए। पानी के ऊपर ना पैसे खर्च नहीं करने चाहिए कभी, ऐसे बोतल वोटल खरीदनी चाहिए, आराम से पानी मिल जाता है। तुम रेस्टोरेंट वाले किसी से बोलोगे ना भर के दे देंगे तुमको बोतल वगैरह। फिर चलते हैं, लगभग 15 मिनट से रुके हुए यहाँ पे, पानी आ गया देखो भर के, आराम से ठंडा पानी भर के दिया है भैया ने। भाई इसका चैन कवर ना थोड़ा मुड़ गया, तो चैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग रही थी, तो हम रुके हैं अभी यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया जोधपुर। ये बहुत गंदे तरीके से टेढ़ा हो गया पूरा, चैन अड़ने लग रही थी इसके, गाड़ी में झटके लगे ना बड़े बड़े हो गया। सही बड़ा पाना ले, जो भी सबसे बड़ा पाना है ना, चोट से होकर जाएगा ये ना, ऐसे टेढ़ा हो गया यहाँ से। हल्का सा ही हुआ है, हल्का सा क्या हुआ है, पूरे यार ड्राइवर मैंने बहुत बड़ी क्रिक कर देखा वरना। ये चैन अड़के जा रही है इसकी, तो आवाज़ आ रही है बहुत गंदी सी, अच्छी नहीं लग रही। तो जोधपुर में पहुंच गए हम लोग, अभी 11:30 बज रहे हैं, जोधपुर में पहुंच गए, 6 बजे चले थे लगभग। ये झालामंड सर्किल है, झालामंड सर्किल ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे कन्फर्म नहीं पता, मतलब ये गुड़ा रोड है जिसपे मैं खड़ा हुआ हूँ। अब हमको होटल रूम ढूंढना है और स्टे करना है बस। क्या आवाज़ करने लग रहा है, कैमरे वैमरे आवाज़ करने लग रहे हैं सर्किल पे, देखो कैमरे लगे हुए हैं ना, ऐसे टी 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 की आवाज़ निकाल रहे हैं, मेरे को लग रहा है क्या आवाज़ आ रही है। भाई साहब ये बाइक्स की ना वो देखते हैं, ये स्पीड चेक करते हैं, चालान जाएंगे घर पे। ये जोधपुर रेलवे स्टेशन, हम वैसे घंटाघर की साइड जा रहे हैं, उस जगह पे रूम जाके लेंगे, वहाँ से ना सारे प्लेसेस एकदम मतलब क्लोज पड़ते हैं। तो इसके सामने से निकल रहे थे तो देखा भाई, फोटो वोटो खींच ही लेते हैं क्या जा रहा है। ये हमारा रथ खड़ा है, रथ भाई अभी ये सरदार मार्केट के सामने खड़े हैं जोधपुर के अंदर, सड़कें पूरी खाली पड़ी है, एकदम 12 बजे, पुलिस के अलावा ना बहुत कम लोग घूम रहे हैं। हम तो होटल वोटल तो मिल जाएगी यहाँ पे, काफ़ी सस्ती सस्ती होटल है, 600-700 इतना रेंज है, तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है होटल्स की। तो अभी होटल की तरफ ही जा रहे हैं, मेरे को लगा यहाँ पे घंटा घर होएगा, लेकिन ये सलाम मार्केट के पीछे की साइड दिखा रखा है और यहाँ पे गेट बंद कर रखा है, तो अब दिन में ही आके देखेंगे घंटा घर को भी। अभी चलते हैं होटल वोटल ढूंढते हैं सबसे पहले। तो भाई साहब अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए होटल में, अपना सामान पटक दिया है और 1 बज रहा है लगभग, अभी 12:30 बज रहे हैं, 1 नहीं बज रहा। वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा कुछ आया है मिनी थाली के अंदर, 160 रुपये का पड़ा है एक थाली, लेकिन सही लग रहा है खाना, काफ़ी सही लग रहा है खाना, बढ़िया था भाई इसका। द पोकर्स करके जगह है, द पोकर्स करके रेस्टोरेंट है ये, एकदम सर्किल पे है ये, पता नहीं कौन सी सर्किल है, इसके सामने मतलब घंटा घर है। ये हमारा रूम है आज का, ये बेड है, काफ़ी बड़ा बेड है और ये पंखा लगा हुआ है, वॉशरूम है इधर, और इधर से नज़ारे देख लो जोधपुर के, थोड़े बहुत खिड़की है। 400 रुपये एक नाइट का, तो सही है ना, इतना महंगा नहीं है, रात ही तो गुजारनी है वैसे भी, सुबह उठते ही तो अपन चल देंगे। Something about it felt like it been waiting my whole life.